हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं मैक्स राइडर। जैसा आप जान रहे हैं कि हम लोग आए हुए हैं मक्का उमरा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो है उमरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग निकलेंगे मदीना की तरफ इंशाल्लाह, और आपको भी साथ रखेंगे। मदीने में जितने भी ज्यारत की जगह इंशाल्लाह हम वहाँ भी जाएंगे। और ख़ास तौर से बहुत लोगों ने हमें कहा है कि जब आप रोजे मुबारक पे जाइएगा हमारा सलाम पेश करिएगा। यही दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सब भाइयों को अल्लाह ज़ियारत की तौफीक अदा फरमाए, उमरा और हज की तौफीक अदा फरमाए, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। तो मिलते हैं सीधा। तो हमारी बस लगी हुई थी और हम बैठ गए हैं बस में। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कल रात में 2:30 बजे तक आ गए थे। ये हमारी बस है और हमने लिया है चाय और अब निकलते हैं रोजे रसूल पे। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे आने के बाद जो है कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह बदल जाती है। और सबसे पहले हम ज़ियारत करेंगे जन्नतुल बकिया के, क्योंकि ये जो है 24 आवर ओपन नहीं रहता है। ये फजर के बाद 2 घंटा ओपन होता है और अशर में जो है 1 घंटा ओपन होता है, तो लोग ज़ियारत करने ले जाते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, तो पहले हम लोग जन्नतुल बकिया की ज़ियारत करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा है। और इस जन्नतुल बकिया में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिसकी भी कब्रें हैं उसकी सिफारिश इंशाल्लाह क़यामत के टाइम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराएंगे। और इस जन्नतुल बगिया में हमारी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां आराम फरमा हैं। काफ़ी जो है सहाबा की कब्रें मुबारक इसमें हैं, तो माशाल्लाह हम आज ज़ियारत करेंगे। जैसे हम इंटर होते हैं तो हमको थोड़ी सी बाउंड्री नज़र आती है, जहाँ पे फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें मुबारक है, उनसे ही सटे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें मुबारक है, उनसे ही सटे जो आगे है इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें मुबारक है। और इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की भी जो कब्रें मुबारक इसमें मौजूद है, काफ़ी सहाबा लोग की कब्रें मुबारक मौजूद है। तो और सिक्योरिटी देख सकते हैं काफ़ी टाइट है। बाकी और भी कब्रें जो हैं यहाँ पर सब एक जैसी हैं, कच्ची कब्रें हैं और इसमें कहीं आपको पक्की कब्रें नज़र नहीं आएंगी। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है काफ़ी बड़ी बाउंड्री है, सब कच्ची कब्रें हैं। और अल्लाह करे कि हम लोग की भी इसमें थोड़ी सी जगह नसीब हो। और अब जब भी आएँ तो यहाँ पे ऐसी हरकत ना करें, कब्रों से मिट्टी उठाएं, कब्रों के साथ छेड़छाड़ करें, क्योंकि इसीलिए सिक्योरिटी काफ़ी है, तो फॉलो ज़रूर करें रूल। यहाँ का नज़ारा जो है छतरियों का काफ़ी खूबसूरत है, और मैं थोड़ा सा लेट आया था इस वजह से ले नहीं पाया, लेकिन मैं जब शाम में रहूँगा इंशाल्लाह तो ज़रूर लूँगा इसका फ़ोटो। तो यहाँ पे जो है टाइमर लगा होता है, जैसे टाइमिंग होता है इसके छतरियों का, तो सारे छतरियाँ एक साथ खुलती हैं, काफ़ी खूबसूरत मंज़र होता है माशाल्लाह, जैसे आप देख सकते हैं। और फिर ऐसे ही धूप में हाजियों के लिए छाया बनता है। और यहाँ से जो आप देख सकते हैं फ़ैन, इसमें से पानियों की बौछार नज़र आ रहा होगा आपको, मतलब काफ़ी निज़ाम बनाया है लोगों ने माशाल्लाह। आज फ्राइडे का दिन है, इस वजह से काफ़ी रश है और आप देख सकते हैं इधर से खाली लेडीज एंट्री है, उधर से जेंट्स जाएंगे। और रसूल पे सलाम पेश करके सीधा 40 नंबर गेट से बाहर आएंगे। ये सब बाहर होटल्स वगैरह हैं और ये जितने भी बने हैं, जैसे वहाँ यहाँ बना है और वहाँ बना है, तो सब सारे जो है वाशरूम हैं। रोज़े रसूल का आप लोग ज़ियारत करें। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जो हम लोग जा रहे हैं रोज़े पे सलाम करने के लिए, तो शायद वहाँ पे मोबाइल अलाउ ना हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बना लिया जाए वीडियो। माशाल्लाह ये रोज़े मुबारक का दरवाज़ा। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। और हम जो है चप्पल निकाल लें अपना।
इतनी औकात नहीं है कि हम चप्पल पहन के जाएं। और माशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरती आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर औरतों के लिए है माशाल्लाह। चलना है आपको ये आगे अभी है, यही है वो जहाँ पे हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, यहाँ पे ये है जी। اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا محمد بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم। निकलते हैं और इन जालियों में से जो है आपको देख रही है जाली, इसी जालियों में से जो है कोई एक जाली है जिसपे हमारे जिब्रील अलैहि सलाम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम वगैरह करने या फिर जो भी मुलाकात करने जाते थे। और हमारी दूसरी ज़्यारत है मस्जिद गमामा, और इसको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी। और हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी नमाज़ पढ़ी और पढ़ाई है वहाँ पे इन्होंने मस्जिदें तामीर कराई हैं। उसी मस्जिदों में से एक ये है मस्जिद गमामा, बड़ी ख़ूबसूरत मस्जिद है। और ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मस्जिद बनी है उसके ही जस्ट सामने ही है माशाल्लाह। मदीने में एक हर जगह जो है ज़ियारत की ही जगह है माशाल्लाह, बड़ी ख़ूबसूरत मस्जिद है। और हम लोग तीसरी ज़्यारत करेंगे मस्जिद अबू बकर की। बताया जाता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो घर था यहाँ ही था, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ भी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे ही एक मस्जिद बनाई माशाल्लाह। ये भी काफ़ी ख़ूबसूरत है और ये गमामा मस्जिद के ही करीब में है, अपोज़िट में है। और ये दोनों मस्जिद जो है हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से बहुत ही करीब में है। माशाल्लाह अब हम आप लोग को ज़ियारत कराएंगे मस्जिद नबवी की, जहाँ पे नमाज़ें वगैरह पढ़ी जाती हैं। और ये रोज़ा रसूल के साथ ही है पूरा, आप देख सकते हैं। पहले हम लोग ने ज़ियारत किया था रोज़ा रसूल की, ये मस्जिद है। तो आइए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सिक्सटीन में रखी, हाँ रख लीजिए आप। माशाल्लाह ये आप ज़्यारत करें माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी मस्जिद है और सब एक जगह से है माशाल्लाह। काफ़ी बड़ा झूमर, मतलब सुकून मिलता है माशाल्लाह। अल्लाह हम सबको नसीब करे ज़्यारत मदीने की। और हरम शरीफ से यानी मक्का से जमजम का पानी जो है आता है ऐसे कंटेनरों में, तो जमजम का पानी जो आपको हर एक जगह मिल जाएगा मस्जिद के अंदर। आप यहाँ से गिलास उठाएं और जमजम पिएं जितना आपको पीना है। और लेकिन ये है कि आपको सफाई का ध्यान देना पड़ता है, एक तरफ से आप गिलास निकाल के पियेंगे और दूसरी तरफ जो यूज़ है उसको आप रख देंगे, तो ये चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी। आपको कुरान पढ़ना है, कुरान की किताबें सारी यहाँ रखी हूँ। कुरान और माशाल्लाह हम लोगों ने गाड़ी किया है, अब हम लोग आगे जाते हैं ज़्यारत के लिए। चलिए आपको भी ले सकते हैं खजूर का बाग माशाल्लाह। जो है गजवे अहद का जो मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी गजवे अहद, और ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं ये है जबले रीमा, जिसके पीछे हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को बैठाया था
और मना फरमाया था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक नीचे नहीं उतरना। और साहबी कुछ चीज़ों के लालच में उतर गए और जीती हुई जंग जो है हारना पड़ा। फिर उसी जंग में जो है हमारे 70 साहबाओं की शहादत हुई और उसी सभी शहदा की जो है कब्र मुबारक यहाँ पे मौजूद है। और अनस बिन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो हैं चाचा का भी कब्र यहीं पे मौजूद है, जैसा आप देख सकते हैं जालियों के पीछे ये पूरी तरह से बाउंड्री की गई है। इसके बारे में हमारे हजरत साहब जो हैं आपको बताएंगे मस्जिद क़िबा का क्या मर्तबा है। पाक की बहुत पसंद है और अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है, सुभान अल्लाह। क्योंकि इस मस्जिद की बुनियाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के दस्ते मुबारक से हुई थी, तो इसी वजह से कुरान शरीफ में भी कहा गया कि इस मस्जिद की बुनियाद पहले ही दिन से परहेजगारी पर रखी गई थी। इस मस्जिद की तामीर में सहाबा किराम के साथ साथ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया था और सहाबा किराम के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वजनदार पत्थर उठाते और इस मस्जिद की दीवारों पर रखते थे। सहाबा अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएँ, या रसूलल्लाह आप ये जहमत ना करें, इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सहाबा इकराम का ये जुमला सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी दिलजोई के लिए, सहाबा की दिलजोई के लिए पत्थर थोड़ी देर के लिए रख देते, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी वजन का पत्थर आप उठाते और फिर से इस मस्जिद की तामीर और तौसी में लग जाते थे। नाज़रीन, आपको ये बात भी मालूम होनी बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद ये मस्जिद कुबा है, यानी मस्जिद नबवी से भी पहले मस्जिद कुबा की तामीर हुई थी। और मस्जिद हरम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले मौजूद थी, लेकिन प्यारे आका के तशरीफ़ लाने के बाद जो सबसे पहली ऑफिशियल मस्जिद तामीर हुई इस्लाम में, तो यही मस्जिद कुबा है। वजू है ना सबका? बस ठीक है। और माशाल्लाह ये है किबलातैन मस्जिद और इसमें हम दो रकात नमाज जो है अदा करेंगे, फिर उसके बाद से आपको बताते हैं। इसमें दो किबला होने की वजह से इस मस्जिद का नाम किबलातैन पड़ा। पहले हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ाते थे, फिर उनके दिल में जो ख्वाहिश थी कि नहीं हम हरम शरीफ की तरफ नमाज़ पढ़ें मक्का की तरफ, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से वही भेजी और हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दरमियान में ही अपना रुख चेंज किए। इस वजह से यह मस्जिद काफ़ी ख़ास है कि इस मस्जिद में डबल किबला है। और माशाल्लाह अभी जो है जुमे की नमाज़ का टाइम हो गया, इसलिए हम लोग वापस चले आए ज़्यारत से। तो ये कुछ था ज़्यारत और मदीना शरीफ की। तो माशाल्लाह अब हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि जुमे की नमाज़ में कितना रश होता है माशाल्लाह मदीने में। और इस वीडियो के थ्रू अगर आपको ज़्यारत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। जज़ाकअल्लाह खैर।